तो हम लोग का जो कट ऑफ सीरीज है इसका ये लास्ट वीडियो होने वाला है। यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे होंगे 40 केस लेकर के 60K बच्चों के लिए, ठीक है। अब देखो मैं स्टार्टिंग ही बता देना चाहता हूँ कि अगर हो सके, अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन है, लाइक कैसे स्टूडेंट को मैं देखा हो कि इनका WBG में रैंक अच्छा होता है नहीं बट JEE Mains में रैंक अच्छा होता है, तो आप फेज 2 काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है। सेकेंडली, अगर कोई और एग्जाम दिए हो WBG के अलावा तो आप देख सकते हो, या सपोज आपके पास BTech के अलावा कोई अल्टरनेट ऑप्शन है लाइक BCA है, ठीक है, तो भी आप देख सकते हो, या सपोज आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, लाइक डायरेक्ट एडमिशन, ओके। तो अगर अल्टरनेट ऑप्शन है देन आप इसको स्किप कर दीजिए, बट आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन है ही नहीं, मतलब कि ना ही आपके अफोर्ड कर सकते हो जो मैनेजमेंट कोटा है, ठीक है, ना ही जो BCA हो गया कर सकते हो, अलाउ नहीं किया जा रहा है, या सपोज आपका JEE Mains में भी अच्छा रैंक नहीं है तो अल्टरनेट ऑप्शन है ही नहीं, देन देख सकते हो। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कौन सा कॉलेजेस मौजूद है। पहले बता दूँ, आपका कुछ रिजर्वेशन है, कोई कैटेगरी है, तभी गवर्नमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज तो गवर्नमेंट पॉसिबल ही नहीं है। लाइक ST SC हो तब पॉसिबल है, मतलब वो भी कुछ खास नहीं, थोड़ा तो लोअर ही मिलेगा, तो गवर्नमेंट पॉसिबल है। एंड प्राइवेट में कौन कौन सा मुझे लेना चाहिए वो डिस्कस करेंगे, कोई भी जैसा तैसा प्राइवेट मत ले बैठना, ठीक है। डिसीजन मेकिंग क्या होना चाहिए, लाइक परफेक्ट कॉम्बिनेशन कॉलेज एंड ब्रांच का वो डिस्कस करेंगे। एंड चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, चॉइस फिलिंग कैसे होना चाहिए। वैसे मेरे को एक पर्सनलाइज सपोर्ट है आप ले सकते हो, जहाँ पर कंप्लीट सपोर्ट आपको दिया जा रहा होगा। आपका जो भी रैंक है, लाइक आपका रैंक अगर हाई है 45K है, 50K है, 60K है, उस रैंक के बेसिस पर आपके लिए बेस्ट क्या होना चाहिए ये कंप्लीट सहायता आपको दी जा रही है। वैसे आप में से काफी सारे बच्चे हो जो 12th के बाद IIT क्रैक नहीं कर पाए, बट फिर भी आपका जो ड्रीम कॉलेज है IIT उसमें मुझे ट्राई करना है, तो कैसे पूरा हो सकता है। तो इसको पूरा करने के लिए आपको गेट एग्जाम देना कंपलसरी है। आप MTech कर सकते हो IIT में, आपने अगर गेट में अच्छा परफॉर्म किया तो, या बन सकते हो PSU ऑफिसर, जो कि बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट सेक्टर का। एंड बता दो, इस साल 2023 में जो बच्चे की परफॉर्म किए हैं गेट में, मैक्सिमम जो बच्चे थे PW के ही पार्ट रहे थे, मीन्स गेट वाला के ही पार्ट रहे थे, जो डिफरेंट ब्रांचेस बच्चे थे। तो ऑब्वियसली काफी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बन जाता है जो भी बच्चे देना चाहते हैं गेट 2024 में या 25 में। एंड बता दूं, अब से PW गेट के साथ इसरो ज्वाइन करने का भी सपना पूरा कर देगा आपका। लाइक आप चाहो तो इसरो का जो कोर्सेस है जल्द ही ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर जो कोर्सेस लॉन्च की गई है, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल बच्चों लॉन्च की गई है, एंड प्राइस काफी कम है, सिर्फ और सिर्फ 1999 है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर जो कोर्सेज लॉन्च की गई है, यहाँ पर जो फैकल्टीज है, इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज इंक्लूड किए गए हैं। एंड ये जो बैचेस है, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होंगी, एंड यहाँ पर मॉक टेस्ट इंक्लूड आपको मिल रहा होगा। एंड PW ने खुद का एक PYQ बुक लॉन्च किया है, जहाँ पर आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहा 2008 से लेकर के 2023 तक का। एंड ये जो बुक है दो सेगमेंट डिवाइड किया गया है, एक टेक्निकल एंड एक नॉन टेक्निकल। एंड यहाँ पर आपको QR कोड अटैच किया मिलेगा हर एक सॉल्यूशन साथ, जहाँ पर आप वीडियो देख सकते हो जो फैकल्टी आपको काफी डिटेल में समझा रहे होंगे। एंड प्राइस काफी कम है, सिर्फ और सिर्फ ₹849 है। सो जी, आप जल्दी इस PW के ऑनलाइन कोर्स से ज्वाइन कर सकते हो। एंड आप जो भी व्यूअर्स हो उनके लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर है, आप अगर कूपन कोड यूज करते हो तो फ्लैट ₹150 ऑफ मिल रहा होगा। अब देखो बता दो, लाइक आपको लाइक कॉलेज ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको टेक्नो मेड शॉर्ट लेग भी मिल सकता है और नेताजी भी मिल सकता है, बट क्या दिक्कत वाली बात है कि यहाँ पर आपको ब्रांच मिलेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये तभी लो जब आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो, एंड आपके लिए कॉलेज जितना मैटर करता है, बट प्लेसमेंट के भरोसे मत बैठे रहना, ठीक है, मैं पहले बता देना चाहता हूँ। क्योंकि देखो प्लेसमेंट जब आएगा, ऑन कैंपस जब हो रहा होगा, ठीक है, तो आपका जो कॉम्पिटिटर होगा, लाइक जो बच्चा लाइक CSE लेके पढ़ाई कर रहा है, IIT या स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पर सिलेबस का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका जो डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा है, एंड उस डिफरेंस को कम करने के लिए आपको काफ़ी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ रही होगी, तो ये देख लो, अगर मैनेज कर सकते हो तभी लो, अदरवाइज लेने का नीड है नहीं। बट फिर भी जो बच्चे पूछते कि हाँ जी मुझे कॉलेज अच्छा चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगा, आपका अगर रैंक 40,000 लेकर के 60,000 के बीच में। अब आपका सवाल ये कि नहीं मुझे तो ये सब ब्रांच नीचे, मुझे तो अच्छा ब्रांच चाहिए, लाइक आप CSE मांगते हो, IIT मांगते हो, EC मांगते हो, तो उसके लिए मैं कुछ कुछ कॉलेज का नेम लिख रखा हूँ, तो क्या क्या आपको मिल सकता है एंड क्या क्या लेना चाहिए। तो देखो आप नरुला ले सकते हो, ठीक है, नरुला में ना आपको CSBS मिल जाएगा। देखो नरुला कॉलेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर आप देखो लास्ट के जो 2 साल है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर आपको CSE IIT नहीं मिल रहा है, तो CSBS ले सकते हो। एक CST है वो भी ले सकते हो, और EC है वो भी ले सकते हो। IIT मिलना टफ है इस रेंज में, बट फिर भी चांसेस है कि आपको 40K to 60K में IIT मिल जाए, बट चांसेस काफ़ी कम है, ठीक है।
अब नरोला के बाद आपके एक और कॉलेज आता है MSIT, विच इज कॉल्ड मेघना साहा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आपको स्पेशलाइजर मिल जाएगा, ठीक है, लाइक IoT हो गया, साइबर हो गया, ये सब ब्रांचेस, एंड EC हो गया, ये मिल जाएगा। देन एक और कॉलेज है टेक्नो इंटरनेशनल न्यू टाउन, तो जिसमें आपको स्पेशलाइजर ब्रांच मिल जाएगा। अब देखो टेक्नो इंटरनेशनल जो है ना वो टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंडर में आता है, तो थोड़ा बहुत आपको एडवांटेज मिल सकता है कि जो टेक्नो इंडिया ग्रुप का जो ज्वाइंट कैंपस होता है, ठीक है, प्लेसमेंट होता है, ज्वाइंट प्लेसमेंट। बट देखिए कुछ खास नहीं है, प्रायोरिटी पहले उनको दिया जाएगा जो अच्छे कॉलेजेस है, उसके बाद ये जो कॉलेजेस है उसको प्रायोरिटी दिया जाता है। अब यहाँ पर तो मैंने सारे कॉलेज का नाम मेंशन कर दिया, बट CSE नहीं मिल रहा है। तो CSE के लिए देखो एक और कॉलेज है सिस्टर निवेटिया, ठीक है, आप उसे ले सकते हो। देखो और भी बहुत सारे कॉलेज ऐसे, कॉलेज काफ़ी सारे आ जाते हैं इस कैटेगरी में, लाइक आपका MCKB भी हो गया, ठीक है, आपका बजबज हो गया, डॉक्टर सुधीर हो गया, तो कॉलेज बहुत ही सारे हैं। बट आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप इनको देखो, इनको प्रेफर करेंगे, ट्राई करो, अगर वो नहीं मिल रहा है देन आप इसको प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। आप अगर मेरा देखोगे ना टॉप 20 प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने कई सारे कॉलेज का नाम ही मेंशन कर चुका हूँ, लाइक ऑर्डरिंग क्या होना चाहिए। तो ट्राई टू प्रेफर दिस कॉलेजेस। फिर भी कुछ डाउट है आपको इसके रिगार्डिंग, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या कुछ भी क्वेरी है एक कमेंट बस पड़ा हुआ आप लोग कमेंट कर सकते हो। अब इधर से हम लोग एक चीज़ करेंगे कि जो कॉलेज का जो कंपैरिजन है वो स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। तो डिफरेंट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, डिफरेंट जो प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, उनका एक कंपैरिजन करेंगे कि लाइक ब्रांच हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक है। तो आपको लाइक किस कॉलेज का कंपैरिजन चाहिए, लाइक कई सारे बच्चे पूछते हैं कि UoT हो गया, नेताजी को कंपेयर कीजिए, कल्याणी जलपरी को कंपेयर कीजिए, IIM नेताजी को कंपेयर कीजिए, IIM लाइक हिल्टन को कंपेयर कीजिए। तो आपको जो भी लाइक कंपैरिजन वीडियो चाहिए, एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बस है कमेंट कर दीजिए, या सपोज आपको कि ब्रांच कंपैरिजन चाहिए तो भी मैं कर दूंगा।